हेलो फ्रेंड्स, कोविड-19 यानी कोरोना हमारे कामकाज को, सोच को, जिंदगी को झिंझोड़ के रख दिया है। दूर देश से ये अपना देश, जिला, शहर, मोहल्ला, यहाँ तक कि पड़ोस तक पहुँच गया है। पिछले साल कोरोना से डर लगता था, क्या हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इस साल आम इंसान का सोच बदल गया है दोस्तों। अभी इन्फेक्शन का डर नहीं लगता है, वो तो होना ही है। वायरस तो पड़ोस में है, कभी भी हम इन्फेक्ट हो सकते हैं। लेकिन डर अभी ये सता रहा है कि अगर हम इन्फेक्ट हो जाएं, हमें हॉस्पिटल मिलेगा तो, बेड मिलेगा तो, जाने के लिए एम्बुलेंस जुगाड़ हो जाएगा तो, ऑक्सीजन का जुगाड़ कैसे करें, सारे फैमिली मेम्बर को परेशानी में डाल देंगे। सोच तो इतना तक चला गया दोस्तों कि अगर हम मर भी जाए, मेरा अंतिम क्रियाकर्म होगा तो घर वाला देख पाएगा तो। ये पैंडेमिक से लाखों ने हजारों को खोया, शायद इतना दर्द भी काफी नहीं था। कोविड एक दोस्त भी बना लिया, ब्लैक फंगस। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आगे देखते हैं ये ब्लैक फंगस आखिर है क्या, कैसे हम इन्फेक्ट हो सकते हैं, बच कैसे सकते हैं, इसका मोर्टलिटी रेट क्या है और इसका इलाज क्या है। ब्लैक फंगस, ये फंगस हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा से है। ये हमारे चारों तरफ है, हमारे घर के कोने कोने में है, बिस्तर में, फर्नीचर वगैरह में, बाइक या कार में, ड्रेसेस में, सब जगह है। ये बेसिकली रहता है मिट्टी में, लेकिन तब तक ही जब तक हवा इसे बहा के ले ना जाए। जहाँ हवा है वहाँ फंगस भी है, और जहाँ फंगस है वहाँ ब्लैक फंगस भी है। ये हमारे स्किन के जरिए सांस लेने का समय और खून के जरिए हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के अंदर हवा में भी ब्लैक फंगस है, और सांस जब हम लोग लेते हैं तब वो हमारे शरीर में घुस जाता है। और ये फंगस घुसते ही हमारे इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, ये अपना सेना भेज देता है। ये सेना एक एक फंगस को पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन तब तक हमारे शरीर में इस इन्फेक्शन का सिम्टम्स शुरू हो जाता है। आंखें लाल हो जाता है, कुछ दिनों में ही आंख में बेहद दर्द और जलन का एहसास होता है। और इसका एक पार्ट लांस का तरफ भी जाता है, और ये सीधा लांस का अंदर घुस जाता है। अगर समय रहते इस इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट नहीं कराया गया तो मौत भी हो सकता है। लेकिन इसका सबसे डेंजरस पार्ट है इसका ब्रेन का तरफ जाना। पहले तो साइनस सेक्शन इसको रोकता है, लेकिन साइनस इन्फेक्टेड हो जाता है, इसका रिसेप्टर अपना रिदम खो देता है, तब सर में बेहद दर्द का एहसास होता है। लेकिन इसका असली टारगेट ब्रेन होता है, ये ब्रेन का बाहरी कवच को तोड़ के अंदर घुस जाता है। अगर ये एक बार ब्रेन का अंदर घुस गया तो मौत निश्चित है, दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसे बचा नहीं सकता। अगर आपको इसमें कोई भी सिम्टम्स महसूस होता है तो तुरंत डॉक्टरों से इलाज कराइए, लेट मत करिए, ऐसा ना हो कि बहुत लेट हो जाए। सावधान रहिए, हेल्दी रहिए। अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो वीडियो का नीचे सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।